गरीबों के रोक रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, आवाज आगे आगे फिल्म भाषेंगे तब आगे दिखाएंगे। गाना भक्ति भाग करो पर दिखावा किया मुहूर्त बतावा आई है कैसे। अरे भौजी भाजी चला हो पर के सवा, भौजी भाजी चला हो पर के सवा, नियम हो बचावा I'm
इलाज लाइफ की पूरे बाइक पे हाथ चला है और मुझे गाड़ी क्यों है चल गुलाब में बैठे को लाज लाइफ जब बैठे सुजन अपने बेटे को बुला चलू है इसकी एक प्रति चंद निकालने चले कहा है तेरा बेटा नहीं मारते मारते खून निकाल दूंगा जानना चाहती है क्यों नहीं जब तेरे पति को किसी ने मार रहे हैं नहीं तेरा पति को कुछ बताया नहीं जाए चल तू ही बता कहा छिपाया अपने बेटे को आज हॉस्टल का छोड़ा आज कजरा से कजराने की कोशिश की चल गुलाब अपने बेटे को बेटे को नहीं जानते कहीं घूमने गया होगा मुझे मालूम नहीं है मैं चाहिए को अपने बेटे को यही पढ़ाने खा के सराहना किया है कि भरोसे किस तरह बात किया जाता है वो धाराम जाते ने मेरा जीरो बांध पकड़ा है पता नहीं तो तुझे भी मार दे की गिरे बारी को हट गया और कजरा तो गालियों की आज तक किसी मैं सलाम नहीं चला तो कजरा कितने मजलूम खा कर कजराज सिंह मैं चाहता तो तेरे इस पास के कुत्ते को वही पेट हुआ अपनी जुबान को लगा दे अरे मुन्ना है तू कई तक खेलता है तू इस से हर दीपाली को लड़किया जाती है और जाती रहेगी तू रहेगा तू हमारी परंपरा चलेगा आ कजराज मैं तेरी परंपरा तोड़ूंगा फिर सारा दिन सब पहले यहां से कोई लड़की जाती थी कोई नहीं जाएगी उंगली मत दिखा मुझे उंगली मत दिखा क्या बुला मैं एक
उसके ले जाने के लिए आया है। कजरा सिंह जुबान संभाल के बात करो। मैं कहता हूं बुलाल से, नागराज तू जिस तरह पालतू कुत्ता है उसकी तरह रहे। गजराज सिंह ये चुप ले, ज्यादा उतौला मत हो। मैं कहता हूं बुलाल से, गजराज सिंह अगर तुझे अपने पुरखों की परंपरा ही निभानी है तो क्या तेरे घर में पहले नहीं है आ नहीं है उसके साथ अपने पुरखों की पुरानी परंपरा। वही तो लाजराज कहां बने ठाकुर, ये आए तो प्रेम है तो ले रोज मारे गए सारे तीनों को तीनों मारे गए। वही तो जिंदगी से तेल लगा लिया धीरे धीरे लाजराज कई कुलों के आए तो बन सब कुछ के लोग ला जाए ठीक है कहां बने ठाकुर। इसलिए हम लोगों को नजर बचा के यहां से निकलना होगा। लेकिन लाजराज आग लगा दो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे ताकि देश बने अग्निशान का करिए। बने ठाकुर हम इस हराम जादे को जला कर खाक कर देंगे। आग लगा और आग निकल गए थे ठीक है। आज तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, जो लोग हमसे टकराएंगे वो बेमात मारे जाएंगे। दिमागी लगवा बाबू, इससे पहले इनकी हवेली इसके साले के घर में आग लगा दे। ये चल करके जब तक खाक नहीं होते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। किसी ने आवाज निकाला और किसी ने हंसी उड़ाया तो इतनी गोली मारूंगा ना कि खोखा फिरने वाली लकड़ी हो जाएगी। आवाज निकालो तो तला कर राज कर दूंगा, मिटा कर खाद कर दूंगा। जो ठाकुर नागराज कन्यासी से टकराएगा उसे बर्बाद कर दूंगा। जाते हैं इसकी झोपड़ी में आग लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे घर में आग
Yeah.
Yeah.
चलिए आने के इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है।
सुनती नहीं हो। इस हराम जाते ने गजराज के हवेली में घुसा, वो तो आया और जिंदगी से चला गया। ले जाए इसे चांदपुर के चौराहे पे टांग दे और बता देना उन लोगों से कि अगर इस तरह कोई दूसरा करने की कोशिश किया तो इसका जैसे हाल हुआ है उसका तो हाल ऐसा करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। इसीलिए कहते हैं कि हजुआ हंसे लो तभी बुढ़िया सकेरा। देखा श्याम बोल सिंगल बोल और राजा बोल महाराज बोलो, अगर कोई ठाकुर गजराज नाग राशि से पंगा लेगा तो जो हाल इसका हुआ है वही हाल पूरे गांव का होगा। इसीलिए कहते हैं हाथ में हथकड़ी पैर में भेड़िया फांसी का फंदा सजाए मौत मिलेगी। अब इनको भी भरे जा रहे अब इनका बेटा गले जान है इनका नहीं जान है। श्यामपुर सिंगलपुर के बीचों बीच चौधे पर कार देंगे ये बेटा वहीं पर सूख जाएंगे ना रहेगा बात ना ही बजेगी। ठाकुर गजराज नागराज सिंह का हुक्म है किसको लेगा सारे को क्या बोल सिंगापुर के बीचों बीच चौराहे पर गाड़ देना ये वहीं पर छूट जाएगा। हम उन्हीं के नौकर है बाबू करेंगे श्याम को चौराहे पर तो कोनो विश्वास में ना कहो एक ही बटन में भरी मर गया ये नहीं है ये गांव गुंडाई नहीं था ये दुआ खा लेते ये फिर उनका स्मृति का जा रहे